जय हिंद साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान में क्रमवार रूप से एक एक करके आपके सिलेबस के आधार पर पूरी भारतीय संविधान की क्लास को पढ़ेंगे। और ये क्लास आप पढ़िएगा, साथ में जो की पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि हम ये प्रयास करेंगे हम उन्हीं टॉपिक उन्हीं तथ्यों को पढ़ाएं जहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। इससे हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अन्य कई अलग अलग नामों से अध्ययन करते हैं, सिलेबस में लिखा गया होता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या जो आज भारत का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्या वो एक दिन में ही बनकर तैयार हो गया था, उसकी प्रक्रिया क्या क्या थी। तो आज की सीरीज काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में संवैधानिक विकास, तो एक एक करके पढ़ते रहिएगा और हो सके तो कॉपी कलम लेकर इस क्लास में बैठिएगा, साथ ही साथ आपके 72 नोट्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे और आप इस वीडियो की जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक है कि भारत में संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, माने अध्ययन के दृष्टिकोण से हम भारतीय संविधान को दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं, कि जो भारतीय संविधान बनने का जो सिलसिला था वो दो भागों में, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत, माने जब भारतीय सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, माने 1857 की क्रांति से पहले, ऐसे समझिएगा कि 1857 क्रांति से पहले और ब्रिटिश जब भारत आए उनके बीच की प्रक्रिया को हम एक भाग में रखते हैं, अर्थात एक टोकरी में रखते हैं, दूसरे टोकरी में रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जब सत्ता ब्रिटेन क्राउन के पास जाता है, माने ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। हम इसे दो भागों में पढ़ेंगे, आइए दोनों भाग क्या क्या है ध्यान से आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आपके सामने लिखा हो गया, भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में। एक दृष्टि में क्या क्या देखना, पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर 1853, माने हमने ये देखा कि जो पहला आपको पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से लेकर 1853, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर भारत के आजादी तक अर्थात 1947 तक, इन दो भागों में हम भारत के संवैधानिक विकास को अलग अलग पढ़ेंगे और प्रयास ही करेंगे कि परीक्षा वाले सारे टॉपिक पढ़े। जिसमें अगर हमें देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में जो संवैधानिक विकास का क्रम क्या रहा, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। अब इसकी पूरी डिटेल में भी पढ़ेंगे, मतलब उन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे जैसा कि मैंने वादा किया है कि जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। अब आगे देखते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसके बाद ये तीन जो है, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, एक ऐसे तीन टॉपिक है जहां से हर साल परीक्षा में लगभग सवाल आते हैं। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। तो आज भारतीय संविधान के क्रमिक विकास में इन सभी टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप लोग यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश के चाहे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, ऐप पर, जहां भी देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में मैं अपने बचे हुए समय से आपके लेकर आया हूँ। तो चलिए अब हम इसके आगे अध्ययन अध्यापन का क्रम जारी रखते हैं। अब आपके सामने आता है कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रहा था उसी समय शुरू हो जाता है, और यह कार्य एक राजलेख, ध्यान दीजिएगा, यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया, जिसे सन 1600 का राजलेख कहा गया। मतलब अगर इसकी बात करें तो ये 1599 में ही एंट्री कर चुका था, लेकिन यह एक राजलेख जो था जिसके माध्यम से शुरू किया जाता था वो 1600 में। ये भी कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही भारत आई थी, उसे हम राजलेख कहते हैं। फिर ब्रिटेन के जो महारानी थी एलिजाबेथ, 1600 ईस्वी में प्रश्न आता है कौन, एलिजाबेथ 1600 में इस राजलेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया
कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। यहां से प्रश्न आता है कि महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में कितने दिनों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों पर व्यापार करने का अधिकार दिया, तो वह है आपका 15 वर्ष। तो यहां पे एक प्रश्न तैयार हो गया। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि उसके बाद तत्पश्चात 1726 में एक राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि, ध्यान दीजिएगा, विधि माने कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो यह शक्ति थी यह इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। माने 1726 के एक राजलेख के द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों में राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और इससे पहले जो शक्ति थी ये इंग्लैंड के निदेशक मंडल के में निहित थी। आगे हम देखेंगे कि जब 1773 में कंपनी के व्याप्त में भ्रष्टाचार, मतलब उस समय जो कंपनी थी उसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार दिखाई दे रहे थे, उस भ्रष्टाचार, उस कुप्रशासन को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक भारत में एक्ट लाया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से आपके परीक्षा में झोला भर भर के सवाल आते हैं। तो भैया झोला भर के सवाल आते हैं तो आपको नोट्स भी बनाते चलना है, जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है और अध्ययन अध्यापन भी करते रहना है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। यहां से देखते हैं कौन कौन सा की पॉइंट है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आता है। कंपनी की गतिविधियों, क्योंकि आपने देखा कंपनी भ्रष्टाचार कुप्रशासन की तरफ जा रही थी, तो कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। पहला प्रश्न, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुई थी? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से की। बंगाल के गवर्नर को, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल जो बंगाल गवर्नर थे उन्हें बंगाल, बंबई, मद्रास इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना। यह एवरग्रीन प्रश्न है जो आपके परीक्षा में जरूर से पूछा जाता है। और हम बात करें अन्य सामान्य अध्ययन की सीरीज में या पारंपरिक अध्ययन की सीरीज में यह बार बार सवाल पूछा जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना जो बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर या उसका नाम बदलकर उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर बंगाल, बंबई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब हम और आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर पढ़िए, जरूर इसके बारे में जानते रहिएगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना मैंने कलकत्ता में, पहली बार कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक सवाल यह बन गया कि उच्चतम न्यायालय कब बना, तो रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत बना 1774 में। प्रश्न आता है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब उस समय चीफ जस्टिस ऑफ सर्वोच्च न्यायालय कौन थे? तो वो थे सर एजिला इम्पे। तो प्रह इम्पे से ही सवाल आता है। उसके अन्य न्यायाधीश जो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। तो मेन जो प्रश्न है उसके मुख्य न्यायाधीश से आता है जो एलिजा इम्पे जी थे। तो आप लोग चाहें तो इतने की स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, वैसे अगर आपने नोट्स लिया होगा तो आपके पास नोट्स भी उपलब्ध होंगे। इसके तहत कंपनी व्यापारियों को निजी व्यापार करने, इसके तहत क्या किया कंपनी ने, कर्मचारियों को उनको निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। माने जो भारतीय थे उनसे उपहार लेना, उनसे रिश्वत लेना, निजी व्यापार, इसको प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि कंपनी को लगा इसके आड़ में उसके साथ भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा और आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गए, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, अब आता है अगला चार्टर अधिनियम, यह भी इंपॉर्टेंट है। चार्टर अधिनियम 1793। इसके पहले चार्टर अधिनियम से पहले अगर आपने देखा होगा कि दो तीन चीज छूट गई हैं, उन्हें हम जैसे पिट्स इंडिया एक्ट था उसको हम इस वीडियो के लास्ट सेशन में चर्चा कर देंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, किसके तहत लाया गया था, क्योंकि वहां सवाल नहीं पूछा जाता। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि उन्हीं तथ्यों को आपके सामने लाया जाए जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 से
बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे इसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल माने नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की, माने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे माने नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे उनको क्या किया गया, जो भारतीय राजस्व था उससे वेतन देना शुरू किया गया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में जहां तक ब्रिटेन का कब्जा था, लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। लिखित विधि माने एक कानून, विधि जहां शब्द आएगा समझिएगा अपने मन में कानून, आप समझिए क्या कानून, तो लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों को व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। माने जो कानून थे जिसकी विनियम थी इसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। तो यह था चार्टर अधिनियम 1793। मेरा एक सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स क्यों पड़ा? जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करके बताएं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसका नाम पिट्स क्यों पड़ा, जवाब जरूर दीजिएगा। हम उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। अब 1813 का राजलेख चार्टर एक्ट 1813, इसके मुख्य तथ्य क्या क्या थे? पहली बार ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म की प्रचार करने की अनुज्ञा दी गई। माने 1813 का जो राजलेख था इसके माध्यम से पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुशंसा दी गई, अनुज्ञा दी गई कि भैया आप ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार, जो एकाधिकार था कंपनी का, उसे समाप्त कर दिया जाता। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार एकाधिकार को बनाए रखा। कब? 1813 के राजलेख के द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का उपबंध किया। मतलब जो भारतीय हैं उनके ऊपर खर्च करने के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया अनुबंधित किया या खर्च करने के लिए अनुबंध किया। तो ये था 1813 का राजलेख जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। आप लोग जहां जरूरत लगे इसके स्क्रीनशॉट आप करते चलिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं 1833 का राजलेख। अब इसके बारे में देखिए, इसके जो संपूर्ण नोट्स है, क्लास है, वो आप लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। उस पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सभी क्लास वीडियो नोट सब आपको निःशुल्क मिल जाएगी, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप अगर हो सके तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की देन है मैं आपके लिए लाइव पढ़ा पाता हूँ जब भी मेरे पास समय बच जाता है। हम बात करते हैं 1833 का राजलेख चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये तीसरा चार्टर अधिनियम पारित कर कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी आपने देखा बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उन्हें बंगाल के साथ बंबई मद्रास का भी गवर्नर जनरल कह दिया जाता है, लेकिन अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? 1833 के राजलेख के द्वारा, राजलेख के माध्यम से क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिक बना। ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्राय भारत, आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, इसके माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन के साथ व्यापार को भी पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। यहां पे जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे भारत समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन चीन के साथ अभी भी थे, लेकिन 1833 में चीन के साथ भी चाय और अन्य जो व्यापार थे उसे भी समाप्त कर दिया जाता है 1833 के राजलेख के द्वारा। क्या यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न है, क्या कोई सवाल है? क्योंकि आप उतना ही पढ़िए जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी करनी है। अब हम और आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। मैंने बताया था कि इसके थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जबकि मुझे इसे और पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784,
इसको बाद में पढ़ने का कारण क्या, मैं बताऊंगा पेज आगे पीछे हो जाने की वजह से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस अधिनियम से पहले रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 की जो कमियों को पूरा करने के लिए एक संशोधित अधिनियम 1781 में लाया गया। इसके बाद 1784 का अधिनियम लाया गया। इसके बाद क्या किया जाता है कि जो 1784 है उसका अधिनियम लाया गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ब्रिटेन के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम फिंट के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? विलियम पिट के नाम पर उनका नामकरण किया गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट आईएमपी है, जो कि मैंने आपको बताया स्पष्ट रूप से, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और हम हमेशा आपके सिलेक्शन पे ही काम करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हमने देखा, एक बात तो समझ में आ गई, 1773 में के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसे सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 आता है। लेकिन इसके पहले 1781 आता है, उसे संशोधित करके फिर से 84 में लाया जाता है, और यह उस समय के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा जाता है। आइए इस अधिनियम के कुछ तथ्य हम लोग पढ़ते हैं, जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य क्या है? इस एक्ट के तहत कंपनी के जो राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। माने इस एक्ट के तहत जो कंपनी का राजनीतिक और जो वाणिज्य कार्य को अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। मैंने अभी आगे चल के देखा, जहां से आपको वेतन देने की बात कही जा रही थी, यहीं से राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या, जो गवर्नर जनरल सदस्य संख्या 4 थी, अब यहां घटाकर 3 कर दी जाती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत प्रदेश का एक नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कर दिया गया। माने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था, अधिकृत भाग जो था, का एक नया नाम रखते हैं ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कर दिया गया। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पिट्स इंडिया एक्ट का था, जो पीछे पढ़ना था लेकिन गलती से पेज आगे हो जाने की वजह से मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अब अगला एक था 1786 का अधिनियम, 84 के बाद एक अधिनियम आता है 2 साल के बाद। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की भी यहाँ पे शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं, और साथ ही साथ हमने और आपने देखा कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त, अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। माने जो गवर्नर जनरल था उसे विशेष परिस्थितियों में अगर वो चाहे तो जो उनके परिषद थी उसके निर्णय को निरस्त कर सकता था और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार 1786 के अधिनियम एक्ट में दिया गया। यह भी परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीन शॉट के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं, इसकी आप लोग स्क्रीन शॉट रख लीजिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि भारत में दास प्रथा के विरुद्ध, अच्छा देखिए यहां पे थोड़ी सी त्रुटि होगी, तो मैं आपको एक मिनट का मैं आपका समय लूंगा, मैं आपको चीजें सिक्वेंस में कर दे रहा हूं, एक मिनट आप लोग रुकिएगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान से देखिएगा, एक चीज और आपको पहले क्लियर कर दूं, तब थोड़ा सा और अच्छे से आपका तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। एक मिनट के रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा एक मिनट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा पेज अप डाउन करना है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना क्या किया जाए। तो ये हो गया सबसे पहले ये संविधान का विकास, फिर रेगुलेटिंग एक्ट होता है, फिर आपका अच्छा ये आपका जो अब हम लोग देखते हैं
लेके, अच्छा ठीक है ये हो गया, 1786 का अधिनियम हो जाता है। फिर हमारे सामने आता है 1833, 1786, इसमें हम लोगों ने देखा जब पीपल्स इंडिया एक्ट हो गया आपका, उसके बाद है आपका, हाँ ठीक ये सही है, 1793 हो जाता है। ठीक है 1793 हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर 1833 का राजलेख पढ़ लिया, ठीक है ठीक, अब एकदम सही है। ठीक है अब हम लोगों ने देखा कि एक बार मैं सिक्वेंस में आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ मैंने हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ये थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ लिया, जो आपके परीक्षा में जहाँ सवाल आते हैं, फिर इसी में पूरा कंप्लीट कैसे क्या क्या कारण था उन कारणों को भी हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ लिया, 1786 का अधिनियम भी हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ लिया, 1813 का राजलेख पढ़ लिया, 1833 का राजलेख हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। तो हम लोगों ने देखा चीन के साथ इन्होंने व्यापार समाप्त कर देते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई थी 1833 में, 1833 के चार्टर एक्ट में भारत में दास प्रथा के को विरुद्ध घोषित कर दिया गया, 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया जाता है, माने 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है, जो राजलेख होता है, उसमें भारत में दास प्रथा के विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है, विधि के विरुद्ध माने कानून के विरुद्ध है दास प्रथा, और 1843 में माने 10 साल बाद इसका उन्मूलन भी कर दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है, किस अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म के स्थान पर या उसके अनेक गतिविधि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसे वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। माने कंपनी का जो कोई पद है, अगर वह धर्म, जाति, वंश, रंग रूप, जन्म के आधार पर उसे अगर वह योग्य है तो वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात नौकरी करेगा। यह 1833 के चार्टर एक्ट या राजलेख में इसे जिक्र किया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करते हुए विधि आयोग की नियुक्ति की गई, माने जो भारतीय कानून का वर्गीकरण करते समय विधि आयोग की नियुक्ति की गई, क्या की गई, विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की गई। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके, लॉर्ड मैकाले के, ठीक है, अध्यक्षता के प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। इसके प्रथम केंद्रीय विधान परिषद ने प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया, ध्यान दीजिएगा, इसने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो यह 1833 का चार्टर एक्ट था। बाद में जब हम लोग मैराथन क्लास पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग और इसे शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन अभी आप पूरी थ्योरी कंप्लीटली पढ़ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 1853 का राजलेख, इसके क्या क्या बिंदु जो परीक्षा में आपको पढ़ना है। अब कंपनी के भारतीय शासन के अधिकार को ब्रिटिश संसद को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया, मतलब ध्यान देखिएगा 1853 का जो राजलेख आता है उसमें कंपनी के भारतीय शासन के अधिकार को ब्रिटिश संसद को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार यहां से दे दिया जाता है। भाई अब देख रहे हैं भारतीय सत्ता जो है कहां ट्रांसफर हो रही है, अब जो भारतीय सत्ता थी ये सीधा कंपनी के हाथ से उठाकर ब्रिटिश संसद को पहुंच जा रही है। गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, माने जो गवर्नर जनरल थे इनके विधायी और प्रशासनिक जो कार्य थे इनको अलग अलग कर दिया जाता है। कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई, माने अब यहां पर देखिए कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे, जो उनके अधिकारी होंगे, उनकी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था कर दी गई यहीं से। और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल आते हैं कि 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई।
आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक अगर आपने पढ़ लिया है तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख सकते हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1858, यही से अब जो सत्ता थी वो कंपनी के हाथ से ब्रिटेन के हाथ में चली जाती है, क्योंकि 1857 की जब क्रांति होती है ना तो पूरे ब्रिटेन में तहलका मचा देती है। अगर 1857 की जो क्रांति थी ससमय और सारी योजनाएं सफल होती तो भारत 90 साल पहले ही आजाद हो गया होता। लेकिन इसका जिक्र हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज जब पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग करेंगे कि 1857 की क्रांति क्या थी। भारत सरकार अधिनियम 1858, लॉर्ड पल्मर्स्टन ने 12 फरवरी 1858 को भारत के दोहरे शासन को, जो भारत की दोहरी शासन थी उसको दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद में रखा। लेकिन ऐसा कुछ इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कुछ हुआ कि पल्मर्स्टन को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद लॉर्ड डर्बी, इसके बाद कौन आते हैं, लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उनके काल में 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक पारित होता है। ठीक है, यह विधेयक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये सारी चीजों को एक से दो बार आप लोग देखिएगा, जैसे वीडियो आप लाइव सेशन में देखिएगा तो कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को एक से अधिक बार देखने का, क्योंकि एक दो बार देख लेंगे तो हो जाएगा। यह भारत शासन अधिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही 1858 का जो विधेयक था इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य क्या था, मैंने जो 1857 के विद्रोह जैसी घटना कभी दोबारा न देखने को मिले, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको रोकना, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। यह था आपका प्रमुख बिंदु। इसके मुख्य तथ्य क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं जहां सबके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं सामान्य दिन की सीरीज में। आइए उस तथ्य को भी हम एक बार देख लेते हैं। इस अधिनियम को भारत में शासन की अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। माने जो ये भारत शासन अधिनियम 1858 होता है इसे भारत में शासन की को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत शासन ब्रिटिश के क्राउन के अधीन हो जाता है, यह याद रखिएगा, यह आपके परीक्षा में पूछा जाता है, किसके, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है। कब, 1858 में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, अब यह ब्रिटेन क्राउन के अधीन हो जाता है। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया, जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल था इसे समाप्त कर दिया जाता है और सभी अधिकार भारत को दे दिए जाते हैं। अब ये सारे अधिकार किसको, भारत को दे दिए जाते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अभी देखा, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अब वायसराय कहा जाने लगा। तीन प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा, भारत का पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, फिर भारत का गवर्नर कौन बना, दूसरा पहला वायसराय कौन बना। ये तीन प्रश्न है, तीनों अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में यही सवाल आ जाए, क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान की विकास का क्रम पढ़ रहे हैं। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, कौन बना, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनता है। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, भारत में अब क्या की गई, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, किसकी की गई, मंत्री पद की व्यवस्था की गई, और 15 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद बनाई गई। भारत में क्या किया गया, अब मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की एक मंत्री परिषद बनाया जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। भारतीय जो मामले थे उस पर सीधा जो नियंत्रण हो गया, अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया, किसका हो गया, ब्रिटिश संसद का, उस पर सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। और मुगल सम्राट का जो पद था इसे समाप्त कर दिया गया, जो मुगल सम्राट का पद था इसे समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई, यह मोस्ट आईएमपी है। इतने टॉपिक की आप सभी साथी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। ठीक है,
इसे ध्यान दीजिएगा कि भारत शासन के संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में भारत में राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई वायसराय राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह था। ये मोस्ट आईएमपी है, आपको सरकारी नौकरी करनी है तो ये ध्यान से पूरे तथ्य को पढ़ लीजिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, कहीं भी किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं रहेगी। अब हम और आगे चलते हैं, यहां तक आप लोग रख लीजिएगा। यहां पे 3-4 टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट है, मैंने भारतीय मामलों ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण भारत शासन अधिनियम 1858 से होता है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है यह भारतीय शासन अधिनियम 1858 में होता है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है राज्य सचिव, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्य सचिव। ठीक है, अब हम लोग और आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने, शायद आपको भी दिख रहा होगा, कह रहे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं सभी लोग। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए आप लोग नोट्स या क्लास समझने जाकर चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, देखिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, इसलिए यहाँ पे आप लोग कमेंट नहीं करिए। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप में जाएंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सभी क्लासे मेरे द्वारा फ्री अपने बचे हुए समय पर निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में है। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम क्या है, हम वो चीजें लेकर आते हैं वो टॉपिक जहां से परीक्षा में सवाल है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 माने गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद की संख्या में अब वृद्धि कर दी गई, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी संख्या थी उसको बढ़ोतरी की गई, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 माने भारत परिषद अधिनियम 1861, सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12 हो सकती थी, माने 6 से कम नहीं और 12 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। भारतीयों को नियंत्रित करने लिए, भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए 3 कानूनों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा कि इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, आपराधिक प्रक्रिया कोड, नागरिक प्रक्रिया कोड माने सीआरपीसी आईपीसी सीसीपीसी, ये 3 कानून तत्काल प्रभाव से लागू किए गए जो आज तक उसका जो प्रभाव है देखने को मिलता है। आज भी इन तीनों आईपीसी सीआरपीसी सीसीपीसी माने भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया कोड नागरिक प्रक्रिया कोड, इतना आप लोग रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में सवाल यहां से आते हैं। अब हम और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और आपको आगे क्या क्या पढ़ना है, चीजें वो पढ़िए जहां से परीक्षा में सवाल है, टाइम पास करने वाले नहीं। ये वीडियो को देख लिया आपका सिलेक्शन हो गया, आप इस वीडियो को देख लिया सरकारी नौकरी पा गए, ऐसे चैनल पर मत जाइए। एक एक करके क्रमवार रूप से संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, संविधान ये पूरा हम लोग को खत्म करना है। अगला है आपके सामने 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम क्या था, इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1858 में शक्ति छीन ली जाती है, अब यह भी कहा जाता है कि अब यह उपबंध कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, जिसके अनुसरण में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माने 1873 के अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, जिसके अनुसरण में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। किस रूप से, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब यहां पे शाही उपाधि अधिनियम, एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का, ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को
28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। यह भी मोस्ट आईएमपी है। जी हाँ, कि यह वन लाइनर में पढ़िए, थियरी में पढ़िए। तो हम लोगों ने देखा कि 28 अप्रैल 1876 को, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, शाही उपाधि अधिनियम के नाम से इसलिए इसे जाना जाता है 1876 को। अब हम और आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। माने निर्वाचन पद्धति जो थी वह शुरू की गई, या इस अधिनियम की एक सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता थी। क्या थी? कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना। परिषद के अधिकारियों में, जो परिषद के अधिकारी थे, परिषद के अधिकारियों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। माने परिषद के अधिकारियों में अब बढ़ोतरी की गई। जो भारतीय सदस्य थे वो भी बजट पर सवाल कर सकते थे, बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। इनका भी अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया जाता है, लेकिन मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। भारतीयों को मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक सामान्य दिन की सीरीज है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे हम मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, इसके एक नाम से जानते हैं। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। भारत के लिए उस समय राज्य सचिव लॉर्ड मैकाले थे। राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और वायसराय लॉर्ड मिंटो। इसके नाम पर 1909 के इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार, क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मार्ले राज्य सचिव था, उस समय के राज्य सचिव थे, और वायसराय मिंटो थे। इन दोनों के नाम पर 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कहा जाता है। यहां से क्या क्या की पॉइंट है वो हम लोग को पढ़ना है। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की सदस्य संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। माने जो उनकी परिषद की संख्या थी वह क्या कर दी गई? वह 16 से बढ़कर अब 60 कर दी गई। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल आता है, मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करी। मतलब फूट डालो, राज करो, कि जो नीति यहीं से अपनाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम 1909 के तहत फूट डालो, राज करो, कि जो नीति यहीं से जन्म दी जाती है, उसका बीज यहीं से पहली बार बोया जाता है। इसलिए मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था कर दी गई। यहीं से फूट डालो, राज करो की नीति शुरू हो जाती है। और इसके पहले इसका ट्रेलर आ जाता है, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपने कहा सर 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, किसके समय हुआ था? यह सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उसका असर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में दिखाई देता है। अब हम और आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं, पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अब इसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। अगले जो टॉपिक है, भारत सरकार का
भारत सरकार अधिनियम 1919, यहां से भी आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। इसे हम मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया, माने इस अधिनियम के तहत सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया, और इसका नाम जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसे मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार 1919 के नाम से जानते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है, इतना ही, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था, आपने पढ़ा, आज की सीरीज में पढ़ा, इसी वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया, माने 1793 से, ध्यान से देखिएगा कि 1793 में भारत सचिव का जो खर्च होता था वो भारत के राजस्व दिया जाने का प्रावधान था, अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 अधिकतम 12 की गई, जो 6 और 12 थी, अब उसे न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए सबसे पहले एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, किसकी, भारत सचिव की मदद करने के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, किसकी, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा, ध्यान से देखिएगा आप लोग पढ़िएगा, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, वह था मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार 1919। हमने देखा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, यहां पर महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार 1919। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया, माने सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली को बढ़ा दिया गया। इसमें सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपी, ईसाई, इनको भी सम्मिलित कर दिया गया, इन पर भी लागू कर दिया गया। केंद्र और राज्य बजट को अलग कर दिया गया, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछता है कि अब यहां पर जो केंद्रीय बजट और राज्य का बजट अब यहां से अलग कर दिया गया। अभी हाल की परीक्षाओं में ऐसे सवाल थे, किस अधिनियम के द्वारा, तो मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार के द्वारा केंद्रीय और राज्य दोनों के बजट अलग अलग कर दिए गए। भारत में सिविल सेवा सुधार के लिए 1923 में शाही आयोग का गठन किया गया, कौन सा आयोग, शाही आयोग का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, मोस्ट आईएमपी है, यहां से भी सवाल आपका पूछा जाता है आपके परीक्षा में। आप लोग चाहें तो इसे रट लें, या 1-2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें फीड हो जाएंगी, इसलिए नोट्स के माध्यम से पढ़ा ताकि आपका समय बच जाए, वरना इसको लेक्चर में देंगे तो एक एक टॉपिक एक दिन में होगा, तो हम ये प्रयास करते हैं कि एक साथ आप लोग पढ़ते चले और बेहतर की तरफ चले, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, पैसा तो नहीं लगेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति की अनुशंसा के आधार पर लाया जाता है। हम बात करें अगर कि भारत शासन अधिनियम 1935 कब, यह ब्रिटिश संसद की संयुक्त जो प्रवर समिति के अनुशंसा के आधार पर इसे लाया जाता है। भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अन्य सभी अधिनियमों की अपेक्षा सबसे बड़ा, सबसे लंबा एक दस्तावेज था, जो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपको शायद एक बात पता भी हो कि जो भारत का संविधान बना उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा, 75% से ज्यादा हिस्सा, सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ भारत शासन अधिनियम का हिस्सा है, किसमें, भारतीय संविधान में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां से सवाल आ चुका है
इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाने वाला सबसे बृहद अधिनियम था। इसमें अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना था, 321। अगर हम अनुसूची की बात करें तो जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 10। ये पारित करने वाला सबसे बड़ा विधेयक था भारत शासन अधिनियम 1935। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस समय भारत का वायसराय कौन था? आगे हम लोग देखते हैं कुछ अन्य की पॉइंट, यहां से आपके परीक्षा में सवाल आ सकता है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अब ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की गई, इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया लेकिन केंद्र में रखा गया। संघीय विषयों के दो भाग, एक आरक्षित दूसरा हस्तांतरित, दो भाग रखा गया। संघीय विषय के दो भाग बांट दिया जाता है, आरक्षित हस्तांतरित। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियां बनाएगी, संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची जिसे राज्य सूची का विषय कहते हैं 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। मेरा सवाल है कि वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं, कमेंट करके बताइएगा, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, और यह किस अनुसूची का भाग है या किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो जितने भी साथी वीडियो को यहां तक देखे हैं, अगर आप डेली क्लास पढ़ेंगे तो यहां का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अपशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपे गए, जो अपशिष्ट विषय जो बच गए थे उन्हें अधिकार वायसराय को सौंप दिया जाता है, जैसे आज केंद्र को है। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया जाता है, इसके द्वारा भारत को वर्मा और अदन से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कुछ टॉपिक छूट रहा है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता जैसे कैबिनेट मिशन हो गया, भारत छोड़ आंदोलन, वो आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ लेंगे, कैबिनेट मिशन हो गया जिसके तहत भारतीय संविधान शुरू हुआ था प्रक्रिया, वो भी हम लोग एक एक करके आगे पढ़ लेंगे। मुख्य तथ्य, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड लुई माउंटेन द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। यह आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, माने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को, कब, 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड लुईस माउंटेन द्वारा ब्रिटिश संसद में रखा जाता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो 18 जुलाई को 14 दिन के बाद 1947 में स्वीकृति जिसे मिल जाती है। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी, कितनी थी, 20 धाराएं थी। 15 अगस्त 1947 को भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों पर समाप्त हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को एक तरह से हम कहते हैं भारत आजाद हो गया, मतलब महामहिम की सरकार का जो उत्तरदायित्व था वो ब्रिटिश भारत एवं भारतीय रियासतों पर समाप्त हो गया। प्रत्येक डोमिनियन हेतु अलग अलग गवर्नर जनरल, पृथक अथवा अलग अलग विधानमंडल होगा,
जिसे विधि बनाने का, कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। ब्रिटिश संसद इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ब्रिटिश संसद इसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, जो वायसराय का पद था इसे भी समाप्त कर दिया गया। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर सभी एक बार वो पढ़ा दीजिए, सभी वायसराय कौन कौन थे, गवर्नर जनरल कौन, उसकी एक अलग वीडियो बनेगा, हम लोग जब भारत आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर, वैसे आपको मिल जाएगा, परेशान ना होइए। अब यहां पे कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं, ये एनसीईआरटी के फैक्ट है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और एक बार ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने साथी मित्रों तक जरूर से, ठीक है। इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए आपको नंबर दिया ही था मैंने, क्लास हो नोट्स हो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी साथी, क्योंकि ई लर्निंग पे दुर्गेश ऑफिस काम वो लोग जाने, मेरी क्लास हमेशा आपको निःशुल्क मिलती रहेगी जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, एक प्रश्न आता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, तो 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का एक दूसरे से पृथककरण कर दिया गया, वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार किस राजलेख के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1813 के राजलेख के द्वारा। किस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्य कहां शुरू किया, सूरत से। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल में हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, किसके समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। भारत में कंपनी का शासन कब अंत हुआ, 1858 अधिनियम के द्वारा। भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कब वायसराय रखा गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। 1765 में एग्लो इंडियन के इतिहास का युग परिवर्तन काल किसने कहा, इल्बर्ट ने, परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है और कई बार भी यहां से सवाल आए हैं कि इतिहास का युग परिवर्तन काल किसने कहा, इल्बर्ट ने कहा। 1765 में एग्लो इंडियन का इतिहास का मुख्य परिवर्तन काल इल्बर्ट ने कहा। फूट डालो राज करो यह नीति का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 या हम कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव भारत शासन अधिनियम 1935 में रखा गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठन का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन, वैसे टॉपिक हम लोग को पढ़ाना है, जल्दी पढ़ाऊंगा, 1942 क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा लाया गया। क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक महात्मा गांधी ने कहा, किसने कहा, आउटडेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक महात्मा गांधी जी ने कहा क्रिप्स मिशन को। यह कब आया था, 1942। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, यहां से भी सवाल आता है ये कब आया था, 1946 में, ठीक। अब हम लोग और आगे देखते हैं, हम लोगों ने यहां तक देखा कि दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया, दास प्रथा को, तो 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा दास प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया गया। 1843 के नियम पांच से इस पर रोक लगा गई, मैंने 1843 से नियम पांच से दास प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा गई। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 की रिपोर्ट पारित किया गया सर अरुंडले समिति के द्वारा। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, किसे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। वायसराय की परिषद में सबसे पहले किस भारतीय को शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। इसके बाद कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसका जवाब जरूर देंगे। आंतरिक सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन
1946? यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होती है। आंतरिक सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह महात्मा गांधी जी का कथन था। भारत एवं पाकिस्तान विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 4 जुलाई को रखा गया और 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, एक सवाल मेरा है, कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, यह आप जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जवाब सही होंगे। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा, इसके बाद हम अगला वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम लोग संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। आप सभी साथी अगर यहां तक वीडियो देख लिए हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, फेसबुक ग्रुप पर, अपने फेसबुक पेज पर। और इस वीडियो की जो पूरी सीरीज है, इसकी जो प्रैक्टिस सेट है, वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध होगा। उसके अलावा यदि कोई क्लास, कोई वीडियो लेक्चर, कोई नोट चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं गेस्ट के रूप में केवल पढ़ा सकता हूं, बाकी प्रिंट कराएंगे वो लोग समझे, अगर आपको ऐसी जरूरत लगती है तब। बाकी आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, आपके पास बेहतर नोट्स हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रयास किया गया है उन टॉपिकों को रखा जाए जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से नहीं करने से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक को भी लाइक और फॉलो करके रखिएगा, इंस्टाग्राम इलनी भी दुर्गेश, ट्विटर इलनी भी दुर्गेश, मेरी भी आईडी है इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर, फेसबुक पे दुर्गेश अशोक जायसवाल, तो उससे भी फॉलो कर सकते हैं कि भाई मैं निःशुल्क यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और तो अगर आप वहाँ पे तो वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।